ठीक है, तो इंटर फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम एक ही सब बात है बेटा। इन दोनों के मिलने से पूरी की पूरी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बन रही है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन। ठीक है, जो आपके बंडल शीथ बंडल के बीच में थी वो थी प्राइमरी ओरिजिन, और जो सेकेंडरी हुई वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी रिटेन करने की वजह से बनी। नाउ एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी टूवर्ड्स द जाइलम मतलब इनर सरफेस पे ज्यादा होती है एक्टिव, मतलब जाइलम का फॉर्मेशन ज्यादा रेट से होगा। ठीक है, आउटर सरफेस पे इस कैम्बियम की आउटर और इनर की बात कर रहे हैं बेटा, टूवर्ड्स द पेरिफेरी आउटर हो जाता है, टूवर्ड्स द सेंटर इनर हो जाता है। क्लियर, जैसे जैसे सपोज ये है आपकी कैम्बियम, तो इसका भी तो अपना एक आउटर एक इनर है। ठीक है, तो टूवर्ड्स द इनर एक्टिविटी इज मच हायर, इसलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज मच मच हायर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो एक्टिविटी कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, पहला जो बनेगा टुवर्ड्स द पिथ ऐड होगा वो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता जाएगा, एंड सेम वही सीक्वेंस ध्यान में रखना है, पिथ की तरफ प्राइमरी जाइलम आ जाएगा, देन ओल्डेस्ट जाइलम, देन न्यूएस्ट जाइलम, इस तरीके से बनेगा। जनरली मोर एक्टिव एंड टुवर्ड्स द पेरीफेरी सेकेंडरी फ्लोएम, जनरली कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास। ठीक, ये इतना ज्यादा अमाउंट में अंदर बन रहा है कि उसकी वजह से एक वहां पे मास पूरा फॉर्मेशन बल्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड उस वजह से आपका सेंट्रल टिश्यू एंड पेरिफेरल टिश्यू दोनों ही डैमेज होने लगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रस्ड क्रस्ड, ध्यान रखना, ड्यू टू द कंडीशंस फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये जो क्रस्ट हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, ऑप्शन में आएगा सेकेंडरी ग्रोथ, ऑप्शन में आएगा सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन में आएगा सेकेंडरी फ्लोएम, मोर अप्रोप्रिएट इज सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, एक को किसी को देना है प्रायोरिटी तो सेकेंडरी जाइलम इज मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज वहां पे जो 8 गुना ज्यादा रेट आप बोल रहे हो 8 टाइम्स ग्रेटर हो रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम ग्रेट्स ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू द कंटिन्यू फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर, क्रस्ट हो गया है लेकिन वो वहां पे रहेगा और धीरे धीरे वो आपका हार्डवुड का पार्ट हो जाता है। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। क्या कह रहा है, द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेंस मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर, एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। ये वही मेडलरी रेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी मेडलरी रेज, मतलब जो आपका इंटरफेसिकुलर एक्टिविटी हुई थी उसकी वजह से जो रेज बन रही है दिस वन बिट। ये वाली ये आपकी मेडलरी रेज हो, इस तरीके की पैरेन्काइमेटस सेल भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। अब आप यहाँ पे देखो सेकेंडरी ग्रोथ को ही देख रहे हैं, पहला पहला स्टेज ये है, इमेजेस इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी, यहाँ पे फिर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन देखा हमने, इंटर और इंट्रा फेसिकुलर के मिलने से कैम्बियम रिंग बन गई, बाकी लेयर वैसे ही है, लेबलिंग याद रहना चाहिए बेटा। एंड देन ये आपका डिवीजन हो गया, यहाँ पे अभी हम वेस्कुलर कैम्बियम की से बात कर रहे हैं तो वेस्कुलर बंडल में डिवीजन हो गया। नाउ इस वजह से जो आपके बाहर पेरिफेरल पे प्रेशर लगा था उसकी वजह से जो एपिडर्मिस डैमेज हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अब वहां पे कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, एंड कॉर्क कैम्बियम इज टोटली सेकेंडरी ओरिजिन। ये सब लिख लेना जो हम बता रहे हैं, टोटली सेकेंडरी ओरिजिन मतलब वहां पे पहले से कोई इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम की तरह टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, आपके कॉर्टिकल लेयर की सेल मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी को रिगेन करेंगी एंड
वो वहां पे कॉर्कैम्बियम को फॉर्म करे। ठीक है, अब उसी डिवीजन में हम पहले देख, अच्छा पहले तो ये देख लो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, जिससे आपके एनुअल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ज्यादा देर इसमें नहीं रुकते हैं, जस्ट हमें पता है कि जो डिवीजन है, जो रेट ऑफ डिवीजन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ऐसा रीजन जहां पे आपको एनवायरमेंट में वेरिएशन दिखेगा, मीन्स लाइक आप विंटर सीजन समर सीजन देखो, और जैसे आपका ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस जगह पे ग्रोथ मार्क दिखते हैं, ग्रोथ मार्क दिखेंगे अंदर। और जहां पे वेरिएशन है जैसे यूपी एमपी साइड में, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, प्रॉपर ग्रोथ का और नॉर्मल ग्रोथ। 1 मिनट। हाँ बेटा, हाँ मैम, अच्छा ठीक है, ठीक तो हम स्प्रिंग जो हमारा फेवरेबल है वो है स्प्रिंग, मतलब जैसे अभी टाइम चल रहा है दैट इज स्प्रिंग। ठीक है, ग्रोथ आएगी। फिर एक आता है ऑटम वाला, तो ऑटम में स्लो डिवीजन हो रहा है, स्लो कैम्बियम एक्टिविटी इन ऑटम सीजन एंड हायर कैम्बियम एक्टिविटी इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन क्योंकि हम जो 12 महीने देखते हैं उसमें पहले आया, अभी जैसे फरवरी पहले आता है, ठीक है, फिर आपका सितंबर अक्टूबर बाद में आता है, तो स्प्रिंग पहले आया तो वो सेकेंडरी जाइलम जो वहां पे फॉर्म हुए थे वो क्या हो गए, अर्ली वुड, एंड जो बाद में फॉर्म हो गए वो क्या हो गए, ऑटम वुड या लेट वुड। क्लियर है बेटा? तो ये ध्यान में रखना, इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी आते हैं, स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड, ऑटम वुड, लेट वुड, एक ही बात है ये। यहाँ पे समर वुड भी समर सीजन से भी रिलेट कर देता है इसको। ठीक है, तो पढ़ के गए ये और पता चला आया समर सीजन। तो बस ध्यान रखना है कि जो फेवरेबल होगा उसमें ज्यादा अच्छे से डिवीजन होगा, जाइलम वेसल की साइज आपको मोर ब्रॉडर दिखेगी। ठीक, और ये दोनों एक एयर की रिंग है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दोनों के मिलने से जो रिंग बनेगा, ठीक है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एनुअल रिंग, और ये हर साल में। ठीक है, स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज अ लोअर डेंसिटी। लाइटर इन कलर क्यों है, क्योंकि वो छोटी बड़ी बड़ी सेल है, बड़ी बड़ी सेल है तो बीच का ल्यूमेन बड़ा होगा। क्लियर, तो लाइटर इन कलर दिखेंगे, हैज अ लोअर डेंसिटी, वेयर एज ऑटम वुड इज डार्कर। छोटी छोटी सेल पास में है तो वो वुड आपको कैसे दिखेगा, डार्कर, एंड हैज अ हायर डेंसिटी। टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर्स एज द अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग कंस्टिट्यूएंट एंड एनुअल रिंग। तो कॉन्सेंट्रिक एक ही सेंटर है दोनों रिंग का, जैसे इसके लिए हम बोले तो ये ऑटम वाला वुड है, ये स्प्रिंग वाला वुड है, दोनों के लिए सेंटर एक ही है लेकिन वुड अलग अलग। ठीक है, नाउ आगे हार्ड वुड एंड सैप वुड। हार्ड वुड, यही वुड में जो कंडक्शन का काम जिससे नहीं होगा वो हो जाती है हार्ड वुड। ऑलरेडी दोनों नॉन लिविंग है, ध्यान में रखा करो बेटा, वुड है मतलब सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है और कंडक्शन में रोल प्ले कर रही है, मतलब सैप वुड है एंड कंडक्शन में रोल नहीं प्ले कर रही है, हार्ड वुड है। तो इन दोनों में ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट कौन सी कर रही है, हार्ड वुड। ठीक है, हार्ड वुड मैकेनिकल सपोर्ट करेगी एंड सेंटर वाले पोजिशन पे ब्राउन टिश्यूज जो डिपॉजिट होते हैं, जो डार्क कलर के दिखते हैं, वो आपके हार्ड। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ये क्वेश्चन है, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट के डिपोजिशन से जो ऑलरेडी जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट डेड थी वो डेड, ये उसी तरीके से है जैसे आपके घर में पानी की पाइप है और पानी की पाइप में कुछ ब्लॉकेज हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे ब्लॉकेज हुआ तो पानी का फ्लो कम होगा, लेकिन जब टाइलोसिस बन जाएगा और ये पूरी तरीके से इसको ब्लॉक कर दे तो ये जाइलम जो फंक्शनिंग कर रहा है वो फंक्शन बंद हो जाएगा और ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट बन जाएगा, और इस सब में जो डिपोजिशन हो रहा है उसकी वजह से इम्परमियबिलिटी आ जाती है वाटर के लिए। वाटर का इस पे बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत टाइम तक यहाँ पे वाटर पहुंचेगा तब जाके कोई इम्पैक्ट होगा। तो जैसे कोई बहुत टाइम तक बारिश में भीगी रही है लकड़ी, तब आप देखते हो कि लकड़ी खराब होती है,
अदरवाइज आप उस लकड़ी को धूप दिखा देते हो, मतलब कट की हुई, फर्नीचर की बात नहीं कर रहे, लकड़ी को धूप दिखा देते हो, फिर से वो मार्केट में सेल हो जाता है। ठीक है, तो हार्डवुड वाले पोर्शन में पानी का डिपोजिशन नहीं हो सकता है, कम हो सकता है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम होता है। एंड सैपवुड वाला कंडक्शन कर रहा है, वहां पे अभी ट्यूब, ये जो हमने ब्लॉकेज की, ये ट्यूब अभी ओपन है, साइलम वेसल ब्रैकेट्स ओपन है, कंडक्शन चल रहा है। अब बात यह आती है कि हर हार्डवुड कभी ना कभी सैपवुड रहा हो, हर हार्डवुड की लेयर कभी ना कभी सैपवुड रही हो, और हर सैपवुड आगे जाके हार्डवुड में कन्वर्ट हो। इज इट क्लियर? सैपवुड इज फंक्शनल, मतलब वहां पे कंडक्शन ऑफ वाटर चल रहा है, एंड हार्डवुड इज नॉन फंक्शनल इन द वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ वाटर, एंड बोथ प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। और ये वुड है, वुड का नाम ही आ रहा है सेकेंडरी जाइलम के लिए, और सेकेंडरी जाइलम आ रहा है सेकेंडरी ग्रोथ के वजह से। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त मिले होंगे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया है। यहाँ से बस आप ये याद रखो, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, इनके एंड एसेंशियल ऑयल्स, इनके डिपोजिशन से, ठीक है, वहां पे स्टोर होने की वजह से, या वेस्ट मटेरियल भी वहां जाके स्टोर हो रहे हैं, उस वजह से वहां पे एक ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फाइनली टाइलोसिस, जिसके बारे में यहाँ नहीं लिखा है, टाइलोसिस बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा जाइलम पेरेन्काइमा। इसको आपको उस तरीके से समझना है बेटा, जैसे कहो कि फाइनली कोई एक्शन करने के लिए तो लिविंग को भेजना ही पड़ेगा जो सेंसिबल एक्शन कर सके, ठीक है, तो लिविंग को आना पड़ेगा कि फाइनली इसका काम तमाम करना है। ठीक, तो जो डिपोजिशन हो रहा है वो तो जहां डिपोजिशन हुआ उस वजह से होगा, क्योंकि वो तो रेडियली ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है। ठीक, ये तो ऑलरेडी डेड है, जाइलम वेसल हो या जाइलम ब्रैकेट हो, वो डेड थी, वहां पे कैसे काम बंद करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई लिविंग होना चाहिए। तो जाइलम का एक ही एलिमेंट लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा वो जो पिट थी, लैटरल पिट थी, वहां से एंटर कर जाएगी जाइलम के अंदर, एंड देन उसी तरीके से है जैसे आप एक बॉक्स के अंदर रख के बलून को हवा दो, उस बॉक्स के शेप को ले लेगी। ठीक है, तो ये इतने पिट तक चली जाएगी, एंड फाइनली अब ब्लॉक हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और ये वुड, ऐसी वुड जिसमें ये सारी स्ट्रक्चर हो वो हार्डवुड हो जाएगी, और जहां नहीं है वो सैपवुड हो जाएगी। तो सेंटर में हार्डवुड, पेरिफेरल पे सैपवुड। नाउ कॉर्कैम्बियम, कॉर्कैम्बियम एक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम के फॉर्मेशन की वजह से इतना हाहाकार डैमेज हो रखा है इस टाइम के, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, अदरवाइज पैथोजन एंट्री कर जाएंगे। कॉर्कैम्बियम को क्या बोल रहे हैं बेटा, फैलोजन। ध्यान में रखना है, अब अगेन यहाँ पे तीन आपको लेयर याद रखना है पेरिडर्म की, फैलोजन, फैलम, फैलम एंड फैलोडर्म। ठीक है, अब हम जब डर्मा बोलते हैं तो हमें दिमाग में सेट होता है ये सबसे आउटर लेयर होनी चाहिए, वही उल्टा हो जाता है। जेन से तो हमें याद रहेगा जो सिंथेसिस कर रहा है, मतलब जेनेसिस कर रहा है, तो कॉर्कैम्बियम आपकी फैलोजन हो गई, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, फैलोडर्म आपको चला जाता है माइंड में कि आउटर लेयर होगी, नहीं, यही गलत, डर्मा है लेकिन इनर लेयर। ठीक, लिविंग है, इनर है, कॉर्टिकल का हिस्सा है, इनर कॉर्टेक्स का हिस्सा है, एंड इसके ऊपर फैलम के बाहर क्या बनेगा आपका, फैलम। ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क को बोलने में एपिडर्मिस की टूटी हुई सेल एंड टिश्यू, वो जो कॉर्कैम्बियम से बाहर के साइड में फॉर्म हुए हैं, जो हाइपोडर्मिस से, बेसिकली हाइपोडर्मिस की एक्टिविटी की वजह से ये सेल मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी रिटेन करेगी, एंड उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अब आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है। हाइपोडर्मिस में तो थी कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा थी लिविंग। ठीक है, तो एक लिविंग सेल कर सकती है मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी को रिटेन। ठीक, तो मतलब कोलेनकाइमा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा है इन्वॉल्व जो कि हाइपोडर्मिस में मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी करके कॉर्कैम्बियम बना रही है, लेकिन कोलेनकाइमा पहले पेरेन्काइमा बनाएगी कि कंप्लीटली आपको सेल चाहिए जो फ्रेजाइल हो, जो डिवाइड कर सके, और पेरेन्काइमा ऐसी सेल है जो मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी कर सके कोलेनकाइमा से पेरेन्काइमा, एंड पेरेन्काइमा देन डिवाइड करके आपकी कॉर्कैम्बियम की फेलम लेयर को बनाएगी, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स किधर है बेटा,
टूवर्ड्स द सेंटर, पेलम किधर है? टूवर्ड्स द पेरिफेरी. इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक. इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एनियली रेक्टेंगुलर सेल्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके. फेलोजन कहाँ से बनेगा? ठीक है, ऑलरेडी कॉर्टिकल लेयर के सेल्स है हाइपोडर्मिस, उसमें ही मोस्टली फेलोजन एक्टिविटी वापस आएगी, मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, और ये टोटली सेकेंडरी ओरिजिन का होगा. फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क एंड फेलम, व्हाइल द इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म. द कॉर्टेक्स इज इम्परवियस, कॉर्क सॉरी कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर, और यही तो हमें चाहिए था क्योंकि एपिडर्मिस टूटी थी. एपिडर्मिस टूटी थी मतलब हमारा प्रोटेक्टिव लेयर टूटा था, उसको प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन बनाने के लिए हमें इम्परवियस लेयर ही चाहिए. किसकी वजह से? सुबरीन की डिपोजिशन की वजह, मेनली डिपोजिशन ऑफ सुबरीन. ठीक, सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस, ये तो लिविंग रहेगी आपको. डर्मा फेलोडर्म की सेल लिविंग रहेगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर देगी, टूवर्ड्स द सेंटर होगी. फेलोजन फेलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म. पार्ट ऑफ पेरिडर्म पूछ सकता है, वहां पे ध्यान में रखना बेटा, सिर्फ कैम्बियम दे देगा तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा. ठीक है, कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम ऑल ऐसे करके दिया हुआ है और कोई भी पार्ट नहीं है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि कॉर्क कैम्बियम नहीं, कॉर्क कैम्बियम पार्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, और दे देगा सेकेंडरी फ्लोएम. जल्दी जल्दी में देखोगे कि अरे पहले जो पेरिडर्म तो सब कुछ होता था, तो कैम्बियम कैम्बियम ही दिया रहेगा, कॉर्क कैम्बियम नहीं दिया रहेगा. ठीक है, आपको ये इसमें दे दे कि कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडर्म व्हिच इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, द आंसर इज पेरिडर्म. ठीक है, व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी सेकेंडरी डिवीजन इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, आंसर इज पेरिडर्म. समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? थक गए हम? समझ में आया? श्रुति, मैथिली, प्रथमेश, दिव्या, अनुष्का, क्या बोल रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हो ना? ये सिर्फ हम बोले ही जा रहे. ठीक है, तो पेरिडर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम अच्छे से ध्यान. ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ पेरिफेरी. अरे वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज फेलोजन हमें पता है, लेयर्स डाइज एंड स्लग ऑफ. अब हम पता है अभी कि ये एपिडर्मिस लेयर क्या होगी, जो ऑलरेडी डेड थी तो अब कनेक्शन भी उनका टूट रहा है, तो धीरे धीरे स्लग ऑफ दिखेगी. जैसे आप ये इस तरीके के पार्क स्ट्रक्चर देखते हो ना बेटा, जिसको खड़े खड़े पार्क में घूमने जाते लोग इसको नोच नोच के बात करते हैं, या नीचे बैठेंगे तो घास उखाड़ उखाड़ के बात, अपने आप ह्यूमन हैबिट है, छाल को एकदम तोड़ने की कोशिश करते. ठीक, फेलोजन एंड अल्टीमेटली दिस लेयर डाई एंड स्लग ऑफ. बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम. पहले बार्क को क्या बोला गया था? पहले बार्क को बोलते थे कि जो टिश्यू आपका ये है मतलब कॉर्टिकल लेयर वाला, उसको बार्क बोला जाता था इनिशियल स्टडी में. फाइनल जो मॉडर्न स्टडी है वो कहता है कि कॉर्क कैम्बियम से मतलब नहीं रखना है इसका, इसलिए ये नॉन टेक्निकल वर्ड लगा है. नॉन टेक्निकल कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया, मन में आया तो और सबने मान. नॉन टेक्निकल टर्म फॉर टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम. डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर यहाँ से क्या क्या आना शुरू किया? सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, अब इसी में बहुत अच्छे से और कर देगा, सेकेंडरी यंग फ्लोएम, सेकेंडरी ओल्ड फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम, फिर आएगा आपका फेलोडर्म, देन आएगा फेलोजेन, देन आएगा फेलम. ठीक है बेटा, तो ये सारे टिश्यू आपके कहाँ पे आ गए? बार्क में. बार्क, और इसी से गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था. बार्क को रिमूव करेंगे तो किसकी एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि जाइलम तो अंदर रह गया, वो वेस्कुलर रिंग के अंदर के साइड है. आपको फूड ट्रांसलोकेशन का एक्सपेरिमेंट, जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, वो इसी पे डिपेंडेंट है. ठीक है, और सबसे पहले उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा रूट सिस्टम, क्योंकि रूट के पास स्टोरेज फूड खत्म होने लगेगा तो रूट की डेथ हो जाती है.
हम रिफर्स टू सेकेंडरी फ्लोएम बाद अब अर्ली एंड सॉफ्ट अगेन जो बड़ी बड़ी सेल बन रही थी आपकी वहां उसी तरीके से यहाँ पे क्या अर्ली अर्ली टाइम में जो बनेगा बाद वो क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा एंड लेट जो बनेगा वो डेंसली रहेगा तो वो हार्ड रहेगा. नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ लेयर्स सेल लेयर्स व्हिच कंस्टिट्यूट द बार्क. ये जो भी मैंने बताया वो हो जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर. वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की सेल एट सर्टेन रीजन At certain region, the phellogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cells. These parenchymatous cells soon rupture the epidermis, forming a lens-shaped structure opening called lenticels. Lens-like structure, lenticels. ठीक है. Main काम क्या है? Gaseous exchange. और काम क्या है? Transpiration. 0.9 to 1% transpiration में लेंटिसेल्स इन्वॉल्व होते हैं. बाकी इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका गैसेस एक्सचेंज. क्योंकि जो आपका एपिडर्मिस था अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और आ सकता है. एपिडर्मिस जो था वो क्या कर रहा था आपका स्टोमेटा तो आपका लीफ में है. लीफ के अलावा गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे कैसे हो रहा है शूट में ब्रांचेस में कैसे हो रहा है बाया एपिडर्मिस. ठीक है एपिडर्मिस ब्रेक हो गई और नीचे सुबेरियम के डिपोजिशन आ गया. यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कुछ ऐसे लिविंग सेल्स आएंगी जो कि गैसेस एक्सचेंज लोकली गैसेस एक्सचेंज करेंगी. लेंटिसेल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम. लेंटिसेल्स नेवर प्रेजेंट ऑन लीव. लेंटिसेल्स मे प्रेजेंट ऑन द रूट. ठीक है एंड मोस्टली प्रेजेंट ऑन द स्टेम. सही है सब सही बोल रहे हैं हम. लेंटिसेस लीफ पे कभी नहीं प्रेजेंट होगा सेकेंडरी ग्रोथ में रूट पे होगा रूट पे भी होगा. क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. लेंटिसेस रिपोर्टेड ऑन रूट स्टेम ब्रांचेस नेवर प्रेजेंट ऑन लीफ. रूट रूट पे भी होगा. हाँ गैसेस एक्सचेंज से रूट पे भी गैसेस एक्सचेंज चाहिए हमें जब सेलुलर एस्पिरेशन के वहां के लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए रूट पे सेकेंडरी ग्रोथ जो शो करेंगे वहां पे फ्रूट में भी होगा. फ्रूट वाला और ध्यान रखें फ्लावर में नहीं होगा एंड लीफ में नहीं होगा. देन नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट लास्ट पोर्शन आगे से ठीक डाइकोट के रूप में वेस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन. कौन सा सेकेंडरी ओरिजिन में कम्प्लीट हो गया बेटा कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम इन रूट इज द कम्प्लीट ओरिजिन. मतलब सेकेंडरी ओरिजिन का होगा कोई पार्सली वगैरह नहीं है. लोकेटेड इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडस अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू Above the protozoan forming a complete ring. तो आपका कौन कौन सा हुआ जो conjunctive tissue मैंने बताया था phloem के पास and xylem के above. ठीक है endodermis से water आ रहा है xylem पे आता है तो xylem को above में रख लेना phloem को अंदर रख लेना. यहाँ पे conjunctive tissue and यहाँ पे pericycle. तो जो ring बनेगी वो zigzag बनेगी. ठीक है initially एग्जैक्ट बनेगी और उसके बाद इसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये ग्रोथ ये पैचेस को बढ़ना पड़ेगा जो कि आपका सेकेंडरी डिवीजन फास्ट साइलम करके कंप्लीट द पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजोआ फॉर्मिंग अ कंप्लीट द कंटीन्यूअस वेवी रिंग. वेवी रिंग याद रखना इनिशियली क्या बनेगा बेटा वेवी रिंग विच लेटर बिकम सर्कुलर. बाद में वो सर्कुलर होगा. फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब अबव फॉर अ डाइकोट सिस्टम. इमेज ध्यान में रखो इमेज इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जाइलम से जाइलम ये हो गया बेटा जाइलम से आपको पेरिसाइकल एंड फ्लोएम के नीचे कंजक्टिव टिश्यू की सेल ये मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी को रिटेन करेंगी एंड फाइनली आपका वेवी कैम्बियम रिंग बनेगा वेस्कुलर कैम्बियम रिंग वेवी बनेगा. उसके बाद डिवाइड हो रहा है फिर से वही फिनोम जाइलम ज्यादा डिवाइड होगा तो ये वाला पोर्शन कवर करके ये रिंग जो है आपकी यहाँ से ये एक
रिंग बना। नाउ अब डिविजन चढ़ता जाएगा, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, एंड बीच में आपकी मेडुलरी रेज की आ रही है। ठीक है, लेवल को देख लेते हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर से वही फिनोमेना है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम होगा टुवर्ड्स द वेस्कुलर कैम्बियम, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, एपिडर्मिस, पेरिडर्म, कॉर्टेक्स, हाँ यहाँ लिखा है प्राइमरी फ्लोएम, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एनुअल रिंग, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, रेज बीच में जो आपकी बन गई, जाइलम रेज, जाइलरी रेज मतलब जाइलम, मेडुलरी रेज मतलब मेडुला की रेज। ठीक है, फ्लोएम रेज मतलब फ्लोएम की बनी हुई रेज। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन। ठीक है बेटा, ध्यान में रखना है क्योंकि हम तो सिकोया देख ही रखे हैं। सबसे बड़ा ट्री जो है वो सिकोया का ट्री है और वो आपका जिम्नोस्पर्म है। इट मीन्स की सेकेंडरी ग्रोथ तो होती होगी वहां पे। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ये फाइल दिख रही है, इज इट विजिबल? अब देखो बहुत सी चीजें आपको नोट्स में मिलेगी, जैसे लिथोसाइट्स जो आपका डिपोजिशन हो रहा था, सिस्टोलिथ, ठीक है, जहां पे आपका कैल्सियम ऑक्सीलेट वगैरह डिपॉजिट होके एकदम स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहा है, लिग्निन, सेफ्रेनिन, स्टेन वगैरह। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है बेटा, एग्जाम्पल। अब ये आपको एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एपिथेम। एपिथेम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। जो आपका वाटर स्टोमेटा है मतलब हाइड्राथोड, वाटर स्टोमेटा ऑलवेज ओपन, रूट प्रेशर के लिए पॉजिटिव प्रेशर को प्रूफ किया गया था यहाँ से, क्लियर। वहां पे एपिथेम सेल वो है जो की सिक्रीशन, और यहाँ पे ये जो वाटर आ रहा है उसको स्टोर करेंगे, एंड देन उसमें जब प्रेशर हायर हो जाएगा और प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तो वाटर स्टोमेटा के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नेक्टरी, स्टिंग, ये सब सेक्रेटरी सेल्स में, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्ट्रिंग हेयर, नेक्टरीज, ऑस्मोफोर। ऑस्मोफोर मतलब फ्रेग्रेंस से रिलेटेड, हाइड्राथोड वाटर से रिलेटेड, ये वाला बताने के लिए। साइजोजिनस, लाइसोजिनस, साइजो लाइसोजेनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये आपका जो चार्ट था इम्पोर्टेंट है, ये लेंटिसेल्स के स्ट्रक्चर। लेंटिसेल्स के लिए भी एक नाम ध्यान में रखना था आपने को, इस सेल का कुछ नाम था, सी से ही था, कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, थिन वॉल राउंडेड सेल्स, कलरलेस पैरेन्काइमेटस सेल्स और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ये छाल में आपको बार्क रिमूव करते वक्त पूरा का पूरा एक साथ आ सकता है या स्केल फॉर्म में, मतलब ये टूटा टूटा, जैसे आपको ये गुआवा के स्टेम में बहुत इजीली देखे हो, ऑब्जर्व भी किए, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको ये भी याद। राइटेड ऑफ टिश्यू अगर आउटसाइड द इनर मोस्ट कैम्बियम, कॉर कैम्बियम से बाहर की तरफ पूरा कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, राइटिडोम, मतलब इसमें आपका फेलोजन फेलो फेलम आ गया प्लस रॉप्चर एपिडर्मिस आ जाए। ठीक है, विच बिकम डेड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कॉर, अब वो धीरे धीरे इम्परवियस हो जाएगी, तो याद में रखना है। नाउ कमर्शियल कॉर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कमर्शियल कॉर इज ऑप्टेन फॉर क्विकस सुबर ओक ट्री। ठीक है, जिसपे स्टडी भी की गई थी, सेल को डिस्कवर भी किया गया था, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक सेल। ठीक है, ये पेरिडम तो ठीक है याद है।
अगेन ये कैम्बियम रिंग के लिए देख लो, दो कैम्बियम रिंग वेस्कुलर एंड कॉर कैम्बियम थिकनिंग सर्कमफेरेंस में रोल प्ले कर रही है। पहले वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, देन कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी। जो जो आपको एनुअल रिंग वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, एनुअल ग्रोथ हेयर्स, एनुअल रिंग दिखती जाएगी। ये हर साल के ऑटम और स्प्रिंग सीजन से, मतलब टेम्परेट रीजन में आपको दिखेगा, ट्रॉपिकल रीजन में ग्रोथ मार्क्स दिखते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे एग्जैक्टली 4 बजे, हाँ बेटा आनंद, ठीक है, एग्जैक्टली वहां पे ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा दिखेगा कि हाँ ग्रोथ हुआ है। और बहुत सारे बेटा जो एग्जाम्पल है ना, बैम्बू, पाइनस, साइकस रिलेटेड, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिव है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का। हार्डवुड एंडोडर्म, टाइलोजिस बता दिया मैंने, बैलून लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल, मतलब लिविंग सेल से ओरिजिनेट होगा, जाइलम पैरेन्काइमा से ओरिजिनेट होगा, देन ब्लॉक कर जाएगा। यक्का बहुत बार बार पूछा जाता है, ड्रेस है ना यक्का, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब नोट्स में होंगे, जस्ट आपको रिवाइज कर लेना वहां से। ठीक है, अब कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी, मोस्ट एक्टिव स्प्रिंग सीजन, लीस्ट एक्टिव ऑटम सीजन या समर सीजन। अब पूछेगा ऑलमोस्ट इनएक्टिव, ऑलमोस्ट इनएक्टिव तो विंटर सीजन, मतलब कंपैरेटिव भी आपको निकालना होगा, तो सबसे लेस एक्टिव कहाँ पे होगा, विंटर सीजन। ठीक है, ये हमने लेयर वाला बताया था, ये इमेज बनाई है तुमने उस टाइम की। बस बाकी मेन मेन सारी चीजें कवर ही हो गई है। क्यूजीफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल, जो आपका पैरेन्काइमा फेसिकुलर कैम्बियम बनता है, तो उसमें जो इलॉन्गेटेड होगा वो क्यूजीफॉर्म होगा, जो सर्कुलर स्फेरिकल होगा वो आपका रे इनिशियल होगा, मेनली ये आपके मेडुलरी रेस के पास में हो। प्रोटोजाइलम के लिए, मेटाजाइलम के लिए याद रखना है, प्रिकर्सर फर्स्ट फॉर्म या प्रिकर्सर जाइलम, लेटली फॉर्म या डेवलप्ड जाइलम, दोनों टर्म यूज हो सकता है। हाँ, ये वाला चार्ट, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ सेल, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड प्रोग्राउंड स्टेम को फॉर्म करेगी। यहाँ से आपका जो भी टिश्यू बन रहा है वो सब प्राइमरी टिश्यू होगा। वेस्कुलर कैम्बियम इज अ प्राइमरी टिश्यू विच कैन फॉर्म द सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको टेक्निकली लॉजिकल है, ध्यान में रखना। पिथ कॉर्टेक्स, कॉर कैम्बियम कंप्लीटली लैटरल, अब लैटरल मेरिस्टेम में आपका क्या आ गया, वेस्कुलर एंड कॉर कैम्बियम। ये वाले चार्ट जो दिए हुए ये याद रखना, मोनोकॉट और डाइकॉट वाला, अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास नहीं होगा तो अभी से भी कांटेक्ट कर लेना, ले लेना ये स्टडी मटेरियल अगर चाहिए। चलो ओवर कर ले फिर, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अच्छा एक चीज और, कल शाम को टेस्ट रहेगा, तो जो सर वहां पे टेस्ट रखते हैं वो सर, कुछ उनको इश्यूज है, वो इवनिंग 6 बजे से टेस्ट रहेगा, 6 to 8 ओपन रहेगा। और इसके बाद क्या आपको टेस्ट वगैरह का मॉड सब मिलेगा, अभी आओ तो फिर बात करते हैं सब। चलो बाय बाय, बाय, एंड कर रहे हैं हम लेक्चर। हाँ बेटा आना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मोस्ट